दरअसल बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। सांपों की तस्करी समेत कई गंभीर आरोप जो है वो एल्विश यादव पर लगे हैं। क्लब पार्टियों में स्नैक बाइक प्रोवाइड कराता था एल्विश यादव और नोएडा सेक्टर 49 थाने में कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पीएफए की टीम ने कोबरा सांप और जहर बरामद किया है। नोएडा पुलिस ने स्ट्रिंकर 5 आरोपियों को पकड़ा है। तो बिग बॉस विजेता एल्विश यादव की बात हम कर रहे हैं। दरअसल बिग बॉस विजेता बनकर सुर्खियों में आए यूट्यूबर एल्विश यादव मुश्किलों में घिर गए हैं। नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा हुआ है। एल्विश पर तस्करी से लेकर गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी आयोजित कराने का आरोप है और इसके साथ ही वो तस्करी करने वाले लोगों से भी जुड़े थे। एक एनजीओ ने स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन कर नोएडा पुलिस में बकायदा इसकी शिकायत दी थी, जिसके आधार पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की है। ये एफआईआर पीपल फॉर एनिमल में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत गौरव गुप्ता ने दर्ज कराई है। तो एल्विश यादव पर कई गंभीर आरोप जो है वो लगे हैं। सेक्टर 49 थाना है जहां पर गंभीर धाराओं में केस जो है वो दर्ज हुआ है एल्विश यादव के खिलाफ। एफआईआर में क्या है, रेप पार्टी में विदेशी महिलाओं को एल्विश यादव बुलाते थे एफआईआर में ये कहा गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि रेप पार्टी में सांप के जहर नशीले पदार्थों का सेवन जो था वो होता था और सांपों को मुहैया कराने के लिए एल्विश ने एजेंट का नंबर भी दिया था कि आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको सांप मिल जाएंगे। तस्करों ने बकायदा जो प्रतिबंधित सांप हैं उनको दिखाया था। कई आरोप गंभीर एल्विश पर लगे हैं। मामले में फिलहाल 5 आरोपी ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है कि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 20 मिलीलीटर जहर पुलिस को क्या क्या मिला वो अब आप समझ लीजिए। 20 मिलीलीटर जहर जो है पुलिस को मिला है और इसके अलावा 5 कोबरा और 1 अजगर सांप भी पुलिस को मिला है इनके साथियों के पास से। और साथ ही साथ दो मुहे सांप भी पुलिस ने बरामद किए हैं जो अभी तक पुलिस को जो 5 लोग गिरफ्तार किए उनके पास से मिला। एक रेड स्नेक भी यहां पर पुलिस को मिला है। तो अभी तक पुलिस को जो छानबीन की एफआईआर दर्ज हुई इस पूरे केस में क्या मिला है वो आपको हम बता रहे हैं। 20 मिलीलीटर जहर की बात पुलिस जो है वो कर रही है कि यहां से मिला है, ये वही जहर है जो लोगों को दिया जाता था। 5 कोबरा और 1 अजगर भी जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं एल्विश की टीम के वो लोग बताए जा रहे हैं। एल्विश का नाम इसमें शामिल है सीधा सीधा पूरे केस में। तो दो मुहे सांप भी बरामद हुए हैं। तो नोएडा पुलिस ने फिलहाल स्ट्रिंग कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया इस पूरे मामले में। लेकिन बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और सांपों की तस्करी समेत कई गंभीर आरोप जो है वो लगे हैं। दरअसल कौन है एल्विश यादव वो आप समझ लीजिए। फेमस यूट्यूबर है एल्विश यादव और सुर्खियों में वो तब आए जब वो बिग बॉस पहुंचे, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता वो घोषित हुए। वाइल्ड कार्ड एंट्री एल्विश यादव ने की थी। यूट्यूब पर 1,45,00,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर एल्विश यादव के हैं, यानी इतने लोग उनको देखते हैं फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पर करीब 16,00,000 फॉलोवर्स हैं उनके और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव फिलहाल मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शिव त्यागी का, जो इस वक्त नोएडा से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, सबसे पहले जानना चाहेंगे, देखिए खबर आती है कि एल्विश यादव पर कई गंभीर आरोप लगते हैं, एफआईआर दर्ज है एल्विश यादव पर, उसके बाद में एल्विश यादव की खुद की सफाई आती है वीडियो के जरिए। फिलहाल ये केस आगे तक कहां तक पहुंचा, पुलिस अब क्या कह रही है, क्योंकि खबर यह है कई टीमें जो है वो एल्विश यादव की तलाश में निकल गई हैं। थाना पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिसमें यूट्यूबर एल्विश यादव है, अन्य 5 लोग हैं। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी भी नोएडा पुलिस के द्वारा की गई है और उसमें यह कहा गया है कि पीएफए के द्वारा, पीपल्स फॉर एनिमल के द्वारा इसमें शिकायत दी गई थी कि यहाँ पे जो रेप वेब पार्टी थी उस रेप पार्टी के लिए बुकिंग के लिए यहाँ पे वो आए थे। ऐसे में जो 5 अन्य लोग थे उनके द्वारा यहाँ पे प्रतिबंधित जो सांप है उनको यहाँ पे लाया गया था। उसी दौरान यहाँ पे बातचीत चल रही थी, तभी नोएडा पुलिस को जो इनपुट मिला था उसके बिहार पे यहाँ पे इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अभी कुछ देर पहले ही एल्विश यादव ने अपना पक्ष रखा है और इन सभी आरोपों को खारिज किया है कि यहाँ पे उनके द्वारा किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने गुहार लगाई है कि इस मामले में निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे हैं ऐसे में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि राहुल नाम का जो व्यक्ति है उससे जो है उसको एल्विश यादव ने बात की है, उसका नंबर दिया है, जब उसके बाद ये डील आगे बढ़ी है। तो ऐसे में राहुल की गिरफ्तारी इसमें हुई है, राहुल की पूछताछ के आधार पे ही एल्विश का नाम जो है एफआईआर में लगा चढ़ाया गया है। फिलहाल मतलब जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें ये राहुल यादव भी शामिल है इन 5 आरोपियों में। शिव,
चलिए शिव से पूरे दरअसल केस को समझने की कोशिश जो है वो हम यहाँ पर कर रहे थे, रेव पार्टी में सांप। और अब सवाल यही है कि क्या एल्विश यादव की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, क्या प्रावधान है, ये सब कुछ चीज़ देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि रेव पार्टियों में स्नेक का जो जहर है वो प्रोवाइड कराता था एल्विश यादव, तो यूट्यूबर एल्विश यादव विवादों में फिलहाल फंस गए हैं और उनकी मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि पुलिस की कई टीमों का गठन जो है वो कर दिया गया है इसमें। और दरअसल नोएडा में होने वाली रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने में एल्विश यादव का नाम लिया जा रहा है। तो कई गंभीर धाराओं में केस जो है वो दर्ज हुआ है। पीएफए की टीम ने कोबरा सांप और जहर भी बरामद किए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को सांप और जहर के साथ गिरफ्तार किया था। तो एल्विश यादव की तलाश में फिलहाल पुलिस की 3 टीमें जो हैं वो जुटी हुई है। जी हां, अहम खबर, बड़ी खबर, एल्विश यादव की तलाश लगातार जारी है। नोएडा पुलिस 3 राज्यों में फिलहाल छापेमारी कर रही है एल्विश यादव की तलाशी में। तो दिल्ली, NCR, हरियाणा में एल्विश की तलाश जो है वो की जा रही है कि कहीं वो दिल्ली में तो नहीं है या NCR में कहीं तो नहीं, या फिर कहीं हरियाणा में तो एल्विश यादव नहीं है। एल्विश यादव की पूरी टीम फरार बताई जा रही है, सभी के फोन जो है वो फिलहाल बंद आ रहे हैं। एल्विश की पूरी टीम की तलाश लगातार जारी है। स्नेक बाइट केस में एल्विश यादव का नाम आया है। तो हमारे सहयोगी शिव लगातार नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं। शिव, आप तक आवाज पहुंच रही है। तो सवाल यह है कि जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे हैं एल्विश यादव के ऊपर और अब 3 टीमें जो है वो निकल चुकी हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एल्विश तो इन 3 राज्यों में से कहीं पर भी नहीं है, तो ऐसे में किसको ढूंढा जा रहा है? देखिए, नोएडा पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अभी कुछ देर पहले ही यह बताया गया है कि 3 राज्यों में यहाँ पे पुलिस जो है दबिश देने के लिए जा रही है। तीनों ही अलग अलग जगहों पे पुलिस को जो इनपुट मिला है एल्विश यादव का जो कॉल डिटेल है उसके आधार पे, और जो उसके सहयोगी हैं उनके जो कॉल ट्रेस की गई है उनके आधार पे हरियाणा और दिल्ली सहित तमाम अन्य जगह है वहां पे इस समय जो है नोएडा पुलिस दबिश दे रही है। जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, ऐसे में नोएडा पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस पहलू से जुड़े जो भी लोग हैं उनके से यहाँ पे उनकी गिरफ्तारी यहाँ पे की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये स्नेक बाइट का पूरा मामला निकल के आया है, ऐसे में जो रेप पार्टी होती है उसके अंदर इस तरीके का जो ये प्रतिबंधित सांप है उनको लाया जाता है। और इन लोगों के पास से जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से जो सांप है वो खुद बरामद हुए हैं, 5 अजगर है और 4 कोबरा है जो इनके पास से बरामद हुए हैं। तो अभी फिलहाल जो सभी आरोपी हैं इन आरोपियों से अलग अलग करके वन विभाग के द्वारा यहाँ पे पूछताछ की जा रही है, नोएडा पुलिस ने यहाँ पे पूछताछ की है, वही पीएफए के द्वारा जो शिकायत दी गई है उसके भी इस पे पहलू पे जांच की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब 3 राज्यों में पुलिस दबिश दे रही है तो ऐसे में एल्विश यादव की जो वीडियो है वो इंस्टाग्राम पे अब आती है, नोएडा पुलिस के ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि बिल्कुल वो वीडियो डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं और पुलिस को नहीं मिल पा रहे, ये सवाल खड़ा हो रहा है। शिव, मैं आपके पास आऊंगी। आपने देखिए वन विभाग का जिक्र किया यहाँ पर, तो नरेंद्र शर्मा साहब जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र शर्मा जी, आपका स्वागत है जनतंत्र पर। नरेंद्र शर्मा जी, इस पूरे केस को आप कैसे देख रहे हैं? केस दर्ज हुआ है और अब रेप पार्टी में सांप का मिलना और फिर जो सांप बरामद हुए उनका मिलना, क्या एल्विश यादव की गिरफ्तारी होगी? क्या है ये पूरा प्रावधान जो धाराएं एल्विश पे लगी हुई है? निदा, एक्चुअली होता क्या है, स्नेक बाइट का जो भी केसेस इस तरह का, मैं पैसे तो ड्रग की तरह यूज करना पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर कोबरा जैसे स्नेक से बाइट कराई जाए तो उसका उसको ड्रग की तरह यूज नहीं कर सकते। उस केस में 20 से 25 मिनट के अंदर अगर फर्स्ट एड ना मिले तो 20 से 25 मिनट तक डेथ निश्चित है। तो होता क्या है कि ये जो स्नेक्स लेके आते हैं, जो स्नेक कैचर्स हैं, इनसे जो कोबराज लेकर आते हैं इनके दांत पहले से तोड़े हुए होते हैं, है ना। तो अब ये रईसों के शौक हैं, उससे आप, अच्छा पाइथन में पाइथन होता नहीं है, तो उसने बाइट कर भी लिया तो छोटे से वुंड के सिवा कुछ भी नहीं होगा। जो कोबरा होगा उनके दांत पॉइजन वाले पहले से निकाले होते हैं, तो उसने बाइट कर भी लिया तो उससे होता कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनके स्टंट वाले गेम है, एक्चुअली फेम के लिए, अपने आप को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी सांप ऐसा नहीं है पॉइजनस स्नेक्स में जिसके आप पॉइजन आप ड्रग की तरह यूज कर सको। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ सांपों में पॉइजन जो है वो ऐसा होता है कि मान लीजिए आप कहीं रेव पार्टी में कहीं पर भी आप डांस कर रहे हैं तो आप देर तक ना थके, आपके पैर जो है वो देर तक ना रुके, या फिर आप उस पार्टी का आनंद पूरी रात ले सके, इसलिए भी इन थोड़ा थोड़ा करके बाइट ली जाती है इनकी? नहीं, कोई थोड़ी बाइट नहीं होती। अगर कोबरा की एक बाइट में जितना पॉइजन होता है उतने पॉइजन में अगर आपको बेसिक फर्स्ट एड पहले 5 मिनट 4 मिनट के अंदर नहीं मिला
तो अगले 20 मिनट में आपकी डेथ निश्चित है, वो थोड़ी बाइट नहीं देता। डीसीपी नोएडा रामदर्दन सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। डीसीपी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता पर। सर ये केस कहां तक पहुंचा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि टीमें जो हैं वो तीन टीमें निकाल दी गई हैं, लेकिन एल्विश यादव खुद से वीडियो डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो नहीं लगता कि पुलिस को उन तक पहुंचने में बहुत ज्यादा आसानी होगी बजाय उनकी तलाश इधर उधर करने के? ठीक है, अगर वो कोऑपरेट करेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, सारी चीजें साफ हो जाएंगी। हेलो जी, जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ, बताइए जी। मेरा आपसे सवाल ये है कि सर क्या अभी तक जो जो चीजें मिली हैं, जो जो धाराएं लगी हैं, क्या आगे क्या प्रावधान है, अब क्या एल्विश यादव की गिरफ्तारी इसके तहत हो सकती है कि एफआईआर में उनका नाम है? देखिए, इस पूरे प्रकरण की हम पूरी गहराई से जांच कर रहे हैं। हाँ। और जैसे ही हमें पूरे सबूत मिल जाएंगे हम पूरी कार्रवाई करेंगे उस पर। लेकिन रामबदन सिंह साहब एक सवाल ये भी है, पब्लिक ये पूछ रही है कि आप लोगों ने तीन टीमें निकाल दी हैं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली और हरियाणा यूपी सब जगह आप लोग तलाश कर रहे हैं एल्विश यादव के और उनकी टीम के, लेकिन एल्विश यादव तो खुद सामने वीडियो अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो किस अकाउंट से अपलोड हो रही, कहाँ से अपलोड कर रही, लोकेशन का पता नहीं लगा सकती पुलिस? नहीं, ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम उस पर देखेंगे, और अगर वो डाल रहे हैं तो खुद ही आ जाएं, खुद ही अपना हमारी विवेचना में सहयोग करें, तो जो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या लग रहा है अभी तक छानबीन जो है वो कहां तक पहुंची है, टीम से क्या कोई और भी सदस्य आए सामने, क्योंकि सभी के मोबाइल फोन बंद बताए जा रहे हैं? नहीं, अभी हम अपनी छानबीन कर रहे हैं, अब जब तक कुछ हो ना जाए तो हम अधूरी बात तो नहीं शेयर करेंगे आपको, जब करेंगे तो पूरी बात शेयर करेंगे आपको। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी कार्य के लिए। तो नोएडा के डीसीपी हमारे साथ जुड़े हुए थे रामबदन सिंह साहब, जो अहम जानकारी साझा कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो पुलिस की टीम है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और अगर एल्विश यादव वीडियो डाल करके सफाई दे रहे हैं तो एल्विश यादव आए सामने, जांच में सहयोग करें पूरा, और हम जो उनसे पूछना चाहते हैं उन सवालों का वो जवाब दें, क्योंकि पुलिस को जिस तरीके से अभी तक 20 मिलीलीटर जहर मिला है टीम के प्यास से पास से, और विजेता एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है, 5 कोबरा 1 अजगर जो है वो बरामद हुआ है। और लगातार शिव त्यागी हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिव का हम एक बार फिर से रुख करेंगे। शिव, अभी नोएडा डीसीपी साहब से बात हो रही थी जनतंत्र टीवी पर, उन्होंने साफ कहा कि टीमें जो है वो निकाल दी गई हैं और तलाश जारी है लगातार, और अभी हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक केस किसी अहम मोड़ पर नहीं पहुंच जाता है। लेकिन जब हमसे सवाल ये पूछा गया कि एल्विश यादव खुद से वीडियो डाल रहे हैं सामने हैं, तो आप लोकेशन का पता कीजिए और लेकर आइए सामने, इस पर उन्होंने कहा कि अगर वो डाल रहे सहयोग करेंगे तो ठीक है। मतलब क्या ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि जो बंदा खुद सामने है वीडियोज अपलोड करके अपनी पूरी सफाई दे रहा है तो आप उसको ढूंढ कहां रहे हैं? देखिए, यही सवाल जो है वो कुछ देर पहले सेक्टर 49 थाने में जब पुलिस के द्वारा यहाँ पे मीडिया के सामने आके बयान दिया गया था, तभी ये पूछा गया था कि आखिर गिरफ्तारी को लेके किस तरीके के कदम उठाए जाते। तो एक बड़ी खबर आ रही है एल्विश यादव पर, बोली है मेनका गांधी, एल्विश यादव की हो गिरफ्तारी, ये कहना है मेनका गांधी का। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की, मेनका गांधी ने गिरफ्तारी की मांग उठा दी है, कानून के मुताबिक 7 साल की सजा का प्रावधान है, वो प्रावधान भी यहां पर समझाती हुई नजर आ रही है मेनका गांधी। और दरअसल मेनका गांधी ने कहा कि बरामद सभी सांप जो है वो लुप्त प्राय प्रजाति के है, जो प्रजाति लुप्त हो चुकी थी उसके ये सभी सांप है, और एल्विश यादव जो है वो किंग पिन है, उन्होंने नाम भी एल्विश यादव का दूसरा रख दिया है, किंग पिन का दर्जा मेनका गांधी उन्हें दे रही है। और साफ उन्होंने कहा एल्विश यादव पर बोलते हुए कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी हर हाल में होनी चाहिए, तो गिरफ्तारी की मांग कर रही है मेनका गांधी एल्विश यादव की, क्या कहा सुनिए आप। जी, पीएफए ने ट्रैप लगा करके उनको, उनके लोगों को पकड़ा है, ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है YouTube पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है, तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है, Schedule 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम, तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा।
तो हमारे सहयोगी शिव त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए। शिव, आपने सुना मेनका गांधी का सीधा सीधा क्या आरोप है? उन्होंने कहा कि किस तरीके से पूरे इसको प्लान किया गया कि कौन है वो लोग सामने आने चाहिए, और हमने झांसा दिया कि भाई हम पार्टी करना चाहते हैं, तो अल्पेश यादव ने खुद से भेजा, वो सीधा नाम ले रही है, वो सजा का प्रावधान भी बता रही है, ये कह रही है कि उनको गिरफ्तार हो और कम से कम 7 साल की सजा उनको होनी चाहिए। ऐसे में अगर अल्पेश यादव गिरफ्तार हो जाते हैं तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अल्पेश यादव की इस वक्त? शिव, देखिए, नोएडा पुलिस के पास जो FIR दर्ज हुई थी, उस FIR के आधार पे PFA की तरफ से यहाँ पे पूरा एक प्लान पहले से रचा गया था, और सेक्टर 51 के एक बैंकेट हॉल में यहाँ पर इनके लोगों को बुलाया गया था, और ये बताया गया था कि यहाँ पे एक पार्टी होने वाली है, और वहीं पे इन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पहले इन लोगों की बातचीत हुई है, बातचीत होने के बाद जिस तरीके से FIR में नाम लिखा हुआ है उसमें कहा है कि इन लोगों के द्वारा अल्पेश यादव को फोन किया गया था, और एक राहुल नाम का जो व्यक्ति है जिसको नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसी का नंबर जो है अल्पेश यादव के द्वारा दिया गया था, इसी के द्वारा यहाँ पे पूरी डील की गई है। अब नोएडा पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि ये एक सपेरा है राहुल नाम का व्यक्ति, और अपने साथियों के साथ यहाँ पे सांप को लेकर आया था। ये वही सांप है जो कि यहाँ पे प्रतिबंधित है, इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से इंस्टाग्राम या अन्य वीडियो सोशल मीडिया पे जो है अल्पेश यादव के द्वारा डाली गई है, इसमें भी देखा गया है कि वो सांपों का इस्तेमाल जो है सबसे ज्यादा करते हैं। यहाँ पे विदेशी जो महिलाएं हैं उनके साथ वो एक सांप को जो लेकर वीडियो बना रहे हैं, और उन्हीं का जिक्र भी मेनका गांधी के द्वारा इसमें करा गया है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो जो प्रतिबंधित सांप है उनका इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जिस तरीके के अब उनके खिलाफ FIR हुई है, अब ऐसे में उनके द्वारा जो वीडियो जो है इंस्टाग्राम पे डाली गई और अपना पक्ष रखा गया है, तो कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस के ऊपर एक सवाल जो खड़ा होता है कि हाईटेक नोएडा पुलिस जो अपने आप को बताती है, तो ऐसे में अल्पेश यादव जब वीडियो डाल रहे हैं तो उसका IP एड्रेस या तमाम चीजें जो है वो अभी तक क्यों नहीं निकाल पाई है। और जिस तरीके से नोएडा पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि 3 राज्यों में पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है, तो उस जगह पे दबिश क्यों नहीं दी जा रही जहां से ये वीडियो अपलोड की गई है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप जो है पुलिस के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी हैं, अभी कुछ देर पहले DCP सेंट्रल रामबदन सिंह के द्वारा कहा गया कि तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है, लेकिन वो जब वीडियो जो है पुलिस के सामने है तो उसमें अब ऐसे में जांच जो है किसकी की जा रही है? 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 आरोपी जो है अल्पेश यादव बचा है, तो ऐसे में उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है, ये भी एक जो है सवाल जो है। और एक सवाल ये भी तो है शिव, अगर आपने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है तो उनके बयान भी तो लिए जा रहे होंगे ना, उनसे पूछताछ भी जो की जा रही है, क्या उनमें से किसी एक ने भी अल्पेश का नाम लिया है या कहा है कि हम अल्पेश की टीम के हिस्सा है या अल्पेश हमारे साथ इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते थे? क्योंकि अल्पेश का जो वीडियो सामने आया है तुरंत, उसमें वो साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सारे जो आरोप है वो बेबुनियाद है, मैं बेकसूर हूं, और अगर जरा से भी मुझसे कनेक्शन आता है किसी भी चीज में तो सारी जिम्मेदारी मैं खुद लेने को तैयार हूं, ये कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है अल्पेश का? देखिए, उनके द्वारा अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको गलत ठहरा रहे हैं, भाई दूसरी तरफ वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इस मामले में गुहार लगा रहे हैं, उनके कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। हालांकि FIR में उनका नाम है, PFA के द्वारा जो FIR कराई गई है उसमें साफ उनका नाम 6वें नंबर पे है, जिसमें अल्पेश यादव यूट्यूबर लिखा हुआ है, उनके अज्ञात में उनका नाम डाला गया है, उनके जो साथी हैं उनकी यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है, जो राहुल नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, अल्पेश के द्वारा नंबर राहुल का ही दिया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूछताछ की गई है उसमें राहुल का जो कनेक्शन है वो अल्पेश से है। अभी फिलहाल इन सब से यहाँ पे पूछताछ की जा रही है, नोएडा पुलिस ने पूछताछ की है, नोएडा पुलिस के बाद वन विभाग जो है यहाँ पे पूछताछ करेगा, तमाम जो एंगल्स पे यहाँ पे पूछताछ की जाएगी, और उसके बाद ही नोएडा पुलिस की जो विवेचना है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अल्पेश का जो ये वीडियो इंस्टाग्राम पे डालना, ऐसे में एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है कि आखिर अल्पेश यादव की गिरफ्तारी कब हो पाएगी। बिल्कुल शिव, एक चीज और जानकारी चाहेंगे आपसे, ये जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या अभी ये सबके सब सेक्टर 49 थाने में है? सेक्टर 49 थाने में पुलिस के द्वारा यहाँ पे इनको रखा गया है, अभी कुछ देर बाद इनको कोर्ट भेजा जाएगा, जब यहाँ पे तीनों विभाग जो है इनसे पूछताछ करेंगे, और उसके बाद ही इनको कोर्ट के लिए यहाँ पे प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल मेडिकल इनका करवाया गया है, तमाम जो पुलिस की प्रक्रिया होती है उसको करवाया जा रहा है। पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका ये भी कहना है कि तमाम जो कॉल डिटेल्स हैं, जो इनकी कॉल डिटेल्स थी उनको भी यहाँ पे निकाला गया है कि आखिर इन लोगों की बात जो है वो पहले कब किन किस हुई थी, और ये भी कनेक्शन जोड़ने की प्रयास किया जा रहा है
या देखने का प्रयास किया जा रहा है कि इन लोगों की जो कॉल डिटेल है वो पिछले 15 दिन की या एक महीने की जो एल्विस यादव के नंबर से या व्हाट्सएप से कोई इनका कनेक्शन तो नहीं हुआ। इन सभी पहलुओं पे अभी फिलहाल की तरफ से पुलिस की तरफ से विवेचना की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है शिव, आप पूरे इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दरअसल एल्विस यादव इस वक्त विवादों में घिरे हुए हैं क्योंकि सांप का जहर सप्लाई कराने और तस्करी के आरोप लगने के बाद एल्विस यादव की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दरअसल अब एल्विस यादव की गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है और खुद एल्विस यादव ही सांपों की तस्करी का सरगना है, उसे अरेस्ट करो, ये कहना है मेनका गांधी का। और दरअसल जिस वीडियो का जिक्र हम कर रहे थे वो वीडियो भी अब आ चुकी है, क्योंकि एल्विस यादव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। एल्विस यादव ने आरोपों को गलत बताया है। एल्विस यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है और कहा कि एल्विस यादव ने कि मुझ पर लगे तमाम आरोप जो है वो झूठे हैं, निराधार है, आरोपों में 1% भी सच्चाई नहीं है, ये दावा करते हुए वीडियो के जरिए एल्विस यादव नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ सहयोग करने को भी वो तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरा 1% भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है तो सारी जिम्मेदारी लेने को मैं अपने ऊपर तैयार हूं। तो मुझ पर लगे सारे आरोप जो है वो झूठे हैं, इन आरोपों में 1% की भी सच्चाई नहीं है। आप सोचिए सुबह खबर आती है कि एल्विस यादव पर एफआईआर दर्ज होती है, उसके कुछ ही घंटों बाद एल्विस यादव की सफाई सामने आ जाती है बकायदा वीडियो के जरिए और पुलिस ये कह रही है कि एल्विस यादव मिल नहीं रहे हैं। और मैं सुबह उठा, मैंने देखा फैल रही है मेरे खिलाफ, ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विस यादव अरेस्ट हो गए, एल्विस यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विस यादव अरेस्टेड जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें, और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार।